लेकिन इस बीच अगर 2019 की बात की जाए, जिस तरह से एक अलग विचारधारा वाली पार्टी शिवसेना और कांग्रेस को साथ लाकर वो महाराष्ट्र की सियासत से बीजेपी को दूर करते हैं, इस तरह के मंझे हुए खिलाड़ी अगर एनसीपी को इस हालात में छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ना केवल एनसीपी बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, देखना ये होगा कि आगे किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। लेकिन 2019 की बात करें तो 2019 में काफ़ी बुरा दौर था। अगर यूपीए महाविकास अघाड़ी तो तभी नहीं थी, तभी कांग्रेस एनसीपी साथ थी, दोनों का बहुत बुरा दौर था। कई सारे नेता पार्टी छोड़कर जा चुके थे। अगर कांग्रेस की बात करें तो विरोधी पक्ष नेता ही इनका जा चुका था, कांग्रेस भी घुटने टेक चुकी थी। लेकिन तब शरद पवार ने मोर्चा संभाला। बारिश में उनका भाषण देने वाला जो वीडियो है आपने देखा होगा कि किस तरह से वायरल हुआ, किस तरह से लोग तब उनकी चर्चा करने लगे कि इतना जुझारू नेता कि इस एज में आकर भी और ऐसे समय में जब पूरी तरह से बारिश हो रही है और लगातार भाषण दे रहे हैं, और वो भाषण उनका काफ़ी हिट हुआ और लोग भी जुड़े। आपने देखा कि एनसीपी ने 2019 में विधानसभा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लोकसभा में कांग्रेस एनसीपी की हालत बहुत ख़राब थी, इसके बावजूद एनसीपी ने कांग्रेस से बहुत अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं शरद पवार की जो भूमिका रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो कमी तो बिल्कुल विपक्ष को भी खलेगी। शायद विपक्ष के नेता भी ये नहीं चाहेंगे कि शरद पवार अध्यक्ष का पद छोड़े। हो सकता है विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी अभी फोन आने लगे, लेकिन शरद पवार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब वो मार्गदर्शक की भूमिका में जाएंगे और पार्टी का जो अध्यक्ष है कोई और होगा। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी में जो उनके वरिष्ठ नेता होंगे वो चुनेंगे कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अब पार्टी की कमान वो किसको देना चाहते हैं वो उनके मन की बात है, लेकिन इतना तय है कि अगर शरद पवार जिसको पार्टी की कमान देना चाहते होंगे, भले ही कमेटी बनाई जाएगी, वही पार्टी का नया अध्यक्ष होगा। जी बेशक, इसका तो इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे 2022 में वो अध्यक्ष चुने गए और इस टाइम अगर 2023 की बात की जाए, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी अब लगातार वो बयान भी दे रहे थे कि अब तक है, आगे रहेगी या नहीं रहेगी, क्या कुछ कारण आपको नजर आ रहे हैं इस तरह से ये ऐलान करने के? देखिए, अभी पूरी तरह से क्या कारण है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से उनकी ही पार्टी में बगावत की खबरें आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि पार्टी में गुटबाजी है, जयंत पाटिल का अलग गुट है, सुप्रिया सुले और अजित पवार की बिल्कुल नहीं बनती, ये अंदर खाने खबरें चल रही थी। और ये भी खबरें चलने लगी थी कि जो अजित पवार हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। शायद ये सब चर्चाओं के बीच उन्होंने ये तय किया होगा कि अब सही समय आ गया है कि अब पार्टी में बदलाव किया जाए, पार्टी की कमान किसी और को दी जाए, पार्टी में खुद संरक्षक की भूमिका में रहा जाए। लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा किसी को भी नहीं शायद किया था, क्योंकि अगर किसी को किया होता तो खबरें जरूर इधर उधर से लीक हुई होती। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि रोटी बदलने का वक्त आ गया है पार्टी में, तो ये जरूर संदेश गया था कि पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत उन्होंने दिए हैं, लेकिन खुद वो पार्टी के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे ये किसी को भी अंदेशा नहीं था। बेशक इंद्रजीत, कहीं ना कहीं ये ऐलान चौंकाने वाला है, जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे थे। और शिवसेना की अगर बात की जाए तो जिस तरह से शिवसेना का जो महाराष्ट्र फाइल्स में हम देख रहे हैं एक के बाद एक चौंकाने वाले खबरें सामने आ रही हैं, तो इस तरह की कुछ स्थिति ना हो उसको बचाने के लिए ये कदम लिया, ये ऐलान किया, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच वहां पर कार्यकर्ताओं की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है ये आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कार्यकर्ता अभी भी इस बात को हजम करने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि ऐसे समय में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पद छोड़े, जैसे जब उनको हाल ही में चुनाव में जाना है। आप देख रहे हैं कि अभी बीएमसी का चुनाव, यहाँ पे महानगर पालिकाओं का चुनाव बाकी है, इसके अलावा 2024 में ही लोकसभा का चुनाव आना है देश में, इसके अलावा विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में 2024 में ही होगा। तो ऐसे समय में शरद पवार जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डाल रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक चुनाव में जाना है। तो शायद यही कारण है कि कार्यकर्ता लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि वो आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दें, और कार्यकर्ता काफ़ी भावुक हैं। आप देखिए कि स्टेज के आसपास कार्यकर्ता जमा हो गए हैं, लगातार शरद पवार उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं कि आपको जो भी अध्यक्ष दिया जाएगा वो अच्छा अध्यक्ष दिया जाएगा, सभी के सहमति से चुना जाएगा, सभी को लेकर चलेगा और मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। इसके बावजूद भी कार्यकर्ता और नेता, ज़्यादातर नेता मानने को तैयार नहीं आया, लेकिन अभी बड़े नेता इस पर अभी कोई अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। बड़े नेताओं की अगर बात करें तो अजित पवार, इसके अलावा जयंत पाटिल या सुप्रिया सुले, इन सब नेताओं ने अपना पक्ष नहीं रखा है, वो
हो सकता है कि कुछ बड़े नेताओं को इस बात का अंदेशा जरूर रहा हो, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि एनसीपी के ज्यादातर नेताओं को ये नहीं पता था कि शरद पवार अपने बुक लॉन्च के मौके पर इतना बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर बात करें आज जिस तरह से ऐलान हुआ है, ना केवल कार्यकर्ता लेकिन देश भी चौंका है इस बीच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।